प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी मेरे सपने को साकार कर दीजिए मेरे सपने को साकार कर दीजिए। सेनापति से कहूंगा कि आप अपना कार्य शुरू कर दे, चिमटा बजाना शुरू कर दे, एक एक को चेक करते हुए जाए, नर और नारी को सबको चेक करते हुए एक एक खिलाड़ी को चेक करें। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी मेरे सपने को साकार कर दीजिए मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी मेरे सपने को साकार कर मेरे सपने को साकार कर दीजिए। सेनापति चिमटा हाथ में लेके एक एक को चेक करें, किसी के बीच में उलते हुए ना जाएं, चाहे नर हो नारी हो सबको एक एक को चेक करें, सब पे चिमटा बजना चाहिए जिसके ऊपर भी प्रेतवास है।
ध्यान दे, मार्ग में जो खड़े हैं दोनों सेनापति पेट पे लग जाए वहीं और पीटते हुए यहाँ तक पकड़ के लाए। दोनों सेनापति वहां से घसीटते हुए यहाँ तक लेके आइए। इसके भाई पहले उतनी मार लगाइए, उठा उठा के पटक दीजिए। बालाजी महाराज की सारे सेनापति सुन ले, कोई भी सेनापति किसी प्रेतम मारना लगाए सारे सेनापति माल लगाना बंद कर दे तुरंत ही। जो पांडाल में हमने सेनापति भेजे थे बाहर निकल के आ जाएं, कोई भी सेनापति किसी भी प्रेतम मारना लगाए तुरंत ही माल लगाना बंद कर दे सारे सेनापति। सिवाय एक रुपए का लेन देन नहीं होता है, कोई कपड़ा नहीं चढ़ता, कोई नारियल नहीं चढ़ता, कोई किसी तरह से कुछ नहीं। सिर्फ आप वहां उनको ले जाइए और ये पुनः से ठीक हो जाए, किसी तरह से तुम्हारे घर में प्रेत वादा ना रहे। जिसके यहाँ से भी ये हो, कल आ गया अगर वही बाबा की तो हमको कल पुनः से दरबार यहाँ फिर लगाएंगे, यहाँ भी कल लेके आए और प्रेम प्राधाम सरकार को मंगल को आप लेके जाए। बाबा यहाँ से प्रस्थान कर दें। एक बार सभी भक्त अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए और सेनापतियों से भी कहना है कि बाबा के साथ प्रस्थान कर जाएं। बोलिए प्रेम प्राधाम सरकार की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, कल भगवान की जय हो, जननी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, आदू श्याम की जय हो, ठारी भंडारी की जय हो, रसिया पुजारी की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। काफी हो गया क्योंकि आप लोग गाय भैंस पालते होंगे तो घर में गैया मैया की भी सेवा करनी है और भैंस भी पालते होंगे तो आप अब सभी भक्तों से कहना है कि शाम को सुबह प्रसादी का विशेष ध्यान रखें और जिसे जो भी अपना भंडारे के लिए दान सहयोग करना हो वो इसी जगह हम लोग रुके हुए हैं वहाँ अपना भिजवा दें। लेकिन भंडारे का दान सहयोग भेजें या ना भेजें लेकिन प्रसाद पाने के लिए जरूर सब लोग प्रेम से बोलना। आरती के लिए सभी भक्त खड़े हो जाएं।